ओके, वेलकम बैक अगेन. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी. आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अजीब सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ. एक्चुअली मैं पहले भी ये चीज़ शायद अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ. अगर मेरी ताइमी 4-5 साल पहले यूट्यूब पर होती ना, तो यूट्यूब पे ताइमी की रेसिपीज लोग फॉलो करते. मैंने ये बचपन में ताइमी हमें खिलाती होती थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था शायद मैं इसको यूट्यूब पर डालती पहले. तो अभी रिसेंटली मैंने एक टिकटॉक पे कहीं कोई वीडियो देखा, किसी आई थिंक इंडियन बॉय था, उसने जो है तो पोटैटो पील को जो है तो बैक किया और वो कोई कंपटीशन था उसमें लेकर के आ गया. तो मैंने सोचा यार हम क्यों पीछे रहे, हमारी तो फेवरेट डिश है, हम बचपन से खाते आ रहे हैं भाई, मैंने तो लाजमी शेयर कर लिया. सबसे पहले तो आपने पोटैटो को पील कुछ ऐसे करना है, मैंने छुरी की हेल्प से किया, ठीक है, पीलर की हेल्प से करेंगे तो बहुत ही बारीक होगा. ये एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, अगर आप ये ट्राई कर रहे हैं या आप पहले कर चुके हैं तो आपने ये छुरी की हेल्प से आपने इसको पील करना है, उसके साथ नहीं करना पीलर के साथ, ठीक है. अब इस पे बहुत छोटे से खाली हमने क्या डालना है जनाब, हमने नमक स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, कोई खास मसाले नहीं चाहेंगे. अगर आपको दड़ा मिर्च थोड़ी ज्यादा स्पाइसी लगती है तो आप इसकी जगह जो है तो डाल सकते हैं ब्लैक पेपर. मैं दड़ा मिर्च के साथ जाऊंगी. थोड़ा सा हम इस पे ऑयल डालेंगे, ये रहा जनाब तकरीबन 1 चम्मच के इतना ऑयल. इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है. इतना इजी बनता है. अगर आपके पास नहीं है ओवन नहीं है तो हम इसको तले पे बना रहे हैं आज, ठीक है. मैंने सोचा मैं इसको ऐसे शो आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हर बंदा बना सके घर पे, ठीक है. तो हम इसको तवे पे बनाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे. बहुत ईजी है, यकीन करिए, इतना मजे का बनता है, इतना मजे का बनता है. आज के बाद कभी भी आलू के छिलके नहीं फेंकेंगे, ठीक है. मैं इसको तवे पे डाल के आपको दिखाती हूँ कैसे. ओके, क्या करेंगे हम, तवा चूल्हे पे रख देंगे. इस पे हमने हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है. बस आपने ऊपर से ये पोटैटो पील उठा के इसके ऊपर डालते जाना है और इनको थोड़ा सा ना फैला देना है आपने, ऊपर नीचे ना ही आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक हो गया. हल्का सा हमने इसको फिलहाल मैंने आँच थोड़ी कम कर दी थी और इसको मैंने कवर कर दिया था फॉर जस्ट आई थिंक 1 or 2 मिनट, और ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में टोटली तैयार हो जाते हैं. अच्छा, ये जैसे ही ना 1 से 1.5 मिनट गुजरा था उसके बाद मैंने ऊपर से जो है तो लेड हटा के इसको मैंने पलट दिया था दूसरी साइड से. आंच फिलहाल थोड़ी सी कमी थी, एट द एंड आपने थोड़ी सी तेज़ कर ली है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए, ठीक हो गया. यहाँ मैंने मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको कवर लगा दिया था दूसरी साइड पर. अब मैंने इसको हटाया है और आँच भी मैंने फुल कर दी थी यहाँ पर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए, ठीक हो गया. अब यहाँ जो बिल्कुल तैयार हैं, सर्व कीजिए, इन्जॉय कीजिए, यकीन करिए इतने मज़े के कोई लगते हैं. अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत स्पेशल अपना फेवरेट इंडियन पाकिस्तान मसाला डालना है, डेट इज चाट मसाला. वो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और इसे आप चाय के साथ सर्व कीजिए, चाहे आप वैसे ही खा लीजिए, केचप के साथ खा लीजिए, बहुत मज़े का लगता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बहुत मज़े के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने और फिर इंजॉय कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अब अगर आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह.